देखिए बेहद बेहतरीन केस आपके सामने है, पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो मैंने बनाया है, डायग्नोसिस भी बताया है, ट्रीटमेंट भी बताया है और फॉलोअप भी बताया है कि किस तरीके से, और किसान का इंटरव्यू बताया है कि इसमें क्या हुआ। पूरा वीडियो देखिए और एंजॉयमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक नया केस लेकर आया हूँ। एक एक केस आपके सामने लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, पशु मालिक अपने केस को सही तरीके से देख पाएँ, जो डेयरी वाले हैं वो अपने पशुओं को देख पाएँ और बीमारी को समझ पाएँ कि आखिर बीमारी कहाँ से है, क्या है, मोटे तौर पर आप अपने पशु का खुद डायग्नोसिस कर पाएँ। ये सारी चीज़ें मैं लेके आता हूँ, तो आज मैं पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये डायग्नोसिस भी मैं बताऊँगा, क्या हुआ ये भी बताऊँगा, आखिर ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं ये भी मैं बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पिछले 3 दिन से पशु मालिक ने बताया, केस हिस्ट्री में बताया, जब हमने पशु मालिक से पूछा, 2 तरीके से पशु का डायग्नोसिस किया जाता है, एक सिम्टम्स के आधार पर, लक्षण के आधार पर, और दूसरा हिस्ट्री के आधार पर, केस हिस्ट्री क्या है। तो केस हिस्ट्री बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी पशु चिकित्सा विज्ञान में, पशु चिकित्सा में इलाज करने के लिए केस हिस्ट्री बहुत ही मेन है। जब केस हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि ये मेरी भैंस है, पिछले 3-4 दिन से परेशान है, खड़ी नहीं हो पाती है, खड़ी हो जाती है तो लड़खड़ाती है और बैठ जाती है, और ये पीछे से गोबर की जगह इसकी बाहर आ जाती है। बहुत सारे इलाज कराया, कई लोगों ने इलाज किया। केस हिस्ट्री में ये कि ये इसने बच्चा भी नहीं दिया है, दूध दे रही है, एडवांस प्रेग्नेंट भी नहीं है, उसके बावजूद ये प्रोलैप्स मास बाहर है। तो प्रोलैप्स मास कौन सी कंडीशन में बाहर आता है, और ये देखिए गर्दन मोड़े बैठी है, ये एनर्जी लेवल कम को डिनोट करती है, लेकिन यहाँ पर लोग इस कंडीशन में लोग इसको मिल्क फीवर से कन्फ्यूज करते हैं कि शायद इस भैंस को मिल्क फीवर होगा। मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट भी इसका हो चुका है, और उसके बावजूद भी, मिल्क फीवर का मतलब इसको कैल्शियम भी दे चुके हैं, तो उसके बावजूद भी इसको कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हम यहाँ से देख रहे हैं, इसकी एनर्जी लेवल को देख रहे हैं, पूरी तरीके से इसको डायग्नोसिस कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। ऐसे केस यहाँ से बच नहीं पाते, बहुत परेशान होते हैं पशु मालिक। तो हमारा पूरा जो वीडियो है, उस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, डालने का उद्देश्य ये है कि इस स्टेज से भी पशु को बचाया जा सकता है अगर आपने सही से डायग्नोसिस कर लिया तब। ये देखिए, ये सिम्टम्स है जस्ट लाइक मिल्क फीवर, कि जैसे मिल्क फीवर में भैंस बैठती है उसका है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। मिल्क फीवर का केस अगर होता तो इसको एक माइफेक्स भी लग चुकी है। माइफेक्स वो बोतल जिस बोतल में मैग्नीशियम भी होता है, और दूसरी कैल्शियम भी लग चुकी है जिसमें कैल्शियम होता है, CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, और ये देखिए ऊपर हमारा कैल्शियम भी नहीं है, डेक्सट्रोज भी नहीं है, और हम वहाँ पर डेक्सट्रोज लगातार लगा रहे हैं। तो आखिर इसमें डेक्सट्रोज क्यों लगा रहे हैं, क्या ये हो रहा है, क्या ये दिक्कत है, ये बड़ी बात है। तो ये जो हमने टेंटेटिव जो डायग्नोसिस किया, देखा केस हिस्ट्री में आया पशु चारा नहीं खा रहा है, केस हिस्ट्री में आया कि प्रोलैप्स मास बाहर आ गया, केस हिस्ट्री में आया कि भैंस गर्दन मोड़ के बैठती है, खड़ी भी हो जाती है लेकिन चारा नहीं खाती, बहुत परेशानी में पशु मालिक है। तो हमने इसको डायग्नोस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो केस हो सकता है तो ट्रिप्स का केस हो सकता है, ये लक्षण ट्रिप्स में आते हैं, ट्रिप्स कहिए तो सर्रा, ट्रिप्स कहिए ट्रिप्नोसोमा में आते हैं, और इस टाइप के लक्षण जब आते हैं तो इसमें नर्वाइन साइन भी आ गया। ये देखिए ट्रीटमेंट के बाद की कंडीशन देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से ये चारा खाने लगी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, मैं डॉक्टर उमर खान आज एक भैंस को दिखा रहा हूँ जो अभी खड़ी तो नहीं हुई लेकिन क्या क्या परेशानी थी। पशु मालिक अपना नाम बताएंगे और फिर बताएंगे क्या हुआ था इसको। मेरा नाम बोलू राम बकपुर, किला मेरठ। क्या हुआ था इसको, इसे कब्ज था जी। कितने दिन से बीमार थी ये? पिछले 3 दिनों से बीमार थी। अच्छा, कुछ खा रही थी? कुछ नहीं खा रही। पानी पी रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारी दवा लगने के बाद खाने लगी है? हाँ जी। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर ने क्या कहा था? ये कह रहे थे बिल्कुल क्रिटिकल हालत है, क्रिटिकल हालत है।
बचेगी नहीं बचेगी, स्थिति बड़ी खराब है, बचना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है जी, बचना ही पड़ा। अच्छा, हमारी दवा के कितनी देर बाद रिजल्ट आ गया? ये तो जी तुरंत एकदम लगते ही जो इसने खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू कर दिया, अब आप खुश हैं? बहुत परेशान थे, देखिए अभी इसे दिखा दे रहा। ये वो भैंस थी जो लेती थी, ये वो भैंस थी जो गोबर की जगह पूरी निकली पड़ी थी, ये वो भैंस थी जो चारा नहीं खा रही थी, पानी नहीं पी रही थी, और पिछले 3-4 दिन से परेशान थे ये। इन्होंने मुझे फोन किया, पूछा कहाँ है, मैंने कहा दूर नहीं, पास में, दूर का नाम लेके तो शायद ही ना बुलाए के कहीं कारोबार की पैसे ना लग जाए। मैं पास में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दवा लगाई, ये रिजल्ट है, यही कल हमने एक भैंस देखी वो ठीक हुई। डेली एक दो भैंसें ऐसी मिलती हैं जिनको ठीक होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मेरे हाथ से ठीक हो जाती हैं। और मेरे हाथ से ठीक क्या होती हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि फला इंसान है मिट्टी पकड़ता सोना हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी सोना हो जाए, ऐसा इसलिए होता है कि उसको ये हिकमत पता है, उसको ये नॉलेज है, उसको इतना ज्ञान प्राप्त है कि कौन सी मिट्टी सोना होने वाली है, वो उसी मिट्टी को पकड़ता है और सोना बन जाती है। डॉक्टर उमर खान को ये इल्म है, ये पता है कि ये भैंस ठीक होने वाली है, और ये ठीक होने वाली, इसको ये दवा लगेगी। बस डायग्नोसिस किया, दवा लगाई, आपके सामने खा ली, देखो ये खा ली। यही चमत्कार है, यही चीज लोग कहते हैं चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं हुआ, डायग्नोसिस दवा, डायग्नोसिस दवा। वो किसान कह रहा है इतनी दवा में इतनी बहुत है, अब जाके बोलते नहीं उमर साहब हो गया इलाज, हाँ हो गया इलाज, ये तो बात है। कह रहे थे साहब अब कुछ और में कुछ नहीं होना, खड़ी हो जाएगी शाम को, गोबर करेगी। लोगों ने तो गोबर का बंदी बताया था, ये इससे पहले कैसे ले रही थी, हाथ पैर फैलाए पड़ी थी, बिल्कुल मुने चला रही थी। तो देखिए कल जब ये खड़ी हो जाए इसकी वीडियो बना के भेजना, और हमारा जो मिशन था वो पूरा हुआ कि ये भैंस इनको पूरी तरीके से ठीक हुई। ऐसा कोई बताएगा नहीं इतनी बड़ी बीमार, 90% बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए पशु मालिक ने बताया कि दवा लगने के बाद इसमें रिजल्ट आया, तो आखिर दवा क्या लगाई, टेम्परेचर नॉर्मल, कैल्शियम ऑलरेडी दे चुके थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, एनर्जी लेवल कम था, तो हमने इसको सिंपल डायग्नोसिस किया था ट्रिप्नोसोमा। और ट्रिप्नोसोमा में ख़ास बात एक ही होती है कि ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसे ही ग्लूकोज की कमी होगी तो इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ये केस हाइपोग्लाइसीमिया में कन्वर्ट हो गया था, और इसका इलाज कैल्शियम के द्वारा हो रहा था, हाइपो कैल्शीमिया का ट्रीटमेंट दे रहे थे, और ये हाइपो कैल्शीमिया ग्लाइसीमिया केस था, ग्लूकोज की कमी थी। जैसे हमने इसको ग्लूकोज देना शुरू किया, 5 से 6 लीटर ग्लूकोज हमने इसको दिया, डेक्सरोज 25% दिया, फिर हमने सोचा कि थोड़ा फ्लूड इसको और दे देते हैं, तो 5 से 6 लीटर डेक्सरोज 25% दिया। उसके बाद हमने इसको यूरिमिन दिया 30 ml, ट्राइविवेट हमने इसको दिया 30 ml। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं बताते, ट्रीटमेंट बताने का मकसद ये है कि अगर हमने पूरा ट्रीटमेंट आपको बता दिया तो कभी कभी ट्रीटमेंट गलत हो जाता है, सही तरीके से पहचान नहीं पाओगे। और ये ग्लूकोज अगर ऐसी जगह चढ़ा दिया जहाँ ग्लूकोज की कमी नहीं है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया केस हो जाएगा, जो बहुत ही सीरियस हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, और फिर वहाँ से भी भैंस का बचना मुश्किल है। तो इसलिए बहुत मैं अवॉइड करता हूँ कि ट्रीटमेंट ना बताया जाए, ना दिखाया जाए। और ये बिल्कुल मैजिक रिजल्ट, जादू रिजल्ट आपको मेरे ट्रीटमेंट में मिलते हैं टोटल डायग्नोसिस से। तो डायग्नोसिस जब आएगा, जब आप किसी गुरु के साथ रहेंगे, जो भी आपके क्षेत्र में, जो आपके अस्पताल पे, जो आसपास, जो भी अच्छा काम करने वाला है, उसके साथ आप रह के देखिए, उसके साथ समय बिताइए, और देखिए किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।